एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई बच्चे होंगे। मैंडेट ब्लॉगर पूजा बी ऑनेस्ट आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा होगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मेरे चैनल को मोनेटाइज होने में 3 दिन लगे और मैं अपनी यूट्यूब चैनल आपके साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ आप बने रहिएगा। 6 या 7 महीने पहले मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया था और YouTube पे चैनल जब मैंने बनाया था तब मुझे YouTube के बारे में कुछ पता नहीं था। उस टाइम मैं अपने बाबू के TikTok के वीडियो कुछ भी उठा के, मतलब छोटे छोटे पर वीडियो उठा के डाल देती थी, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि TikTok या फिर स्टेटस डाला नहीं जाता है, वो चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। तो मैं उसे ही ये वीडियो समझती थी। तो फिर बाद में मेरे कुछ IT फ्रेंड हुए जो कि लंबे समय तक मेरे साथ बने रहे और मैं अपने IT फ्रेंडों की वजह से ही मेरा चैनल मोनेटाइज होने में बहुत ही हेल्प मिली मुझे। अगर उन लोगों का साथ ना होता तो इतना आसान ये जनरेट नहीं होता मेरे लिए, तो मैं उनके भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी और मैं अपने हबी का भी बहुत दिल से शुक्रिया करूँगी क्योंकि उनने मेरा हमेशा साथ दिया। और मेरा एक इच्छा थी कि मैं भी एक IT पे अपना चैनल बनाऊं क्योंकि मेरी 2 दोस्त थी जो कि IT में थी, पर मैंने नहीं सोचा था। पर मेरी कुछ फेवरेट यूट्यूबर थी, उन्हें देख के अब मुझे भी शौक हुआ, तो ये मेरी एम अपना शौक अपने हबी से छुपा नहीं पाई और मेरे हबी ने बोला कि आप भी करिए अगर आपको शौक है तो। तो फिर मैंने फाइनली अपना चैनल क्रिएट किया और उसके बाद में धीरे धीरे अब आगे बढ़ी। और फिर बाद में शुरुआत में तो मैंने बाबू के TikTok के वीडियो डाले, फिर बाद में मुझे पता चला कि TikTok स्टेटस ये नहीं डाला जाता है, अपना खुद का कंटेंट डाला जाता है, खुद का वॉइस, खुद का फेस वॉइस ये वीडियो बना के डाला जाता है। तो फिर मैंने अपना कंटेंट डाला और वीडियो बनाया, कुछ लाइव भी किया और वीडियो भी डाला मैंने और कंटिन्यू बनी रही। और स्टार्टिंग में मैंने वीडियो डाले और कुछ लाइव किया। तो यही है कि यूट्यूब पे आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इस पर कंटिन्यू रहना होगा। एक मेरे लिए तो ये मैं भी नई यूट्यूबर हूँ, मैं कोई पुरानी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं भी एक नई यूट्यूबर हूँ। मैं अपने आप को बड़े यूट्यूबर नहीं बोलूँगी। और तो मेरा एक यही संदेश है सबको कि आप मेहनत करें और आप कोशिश करें। अगर आप अपने मन से कोशिश करेंगे, खूब मेहनत करेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज 100% होगा। पर अपना कंटेंट यूज करें, अपना वॉइस यूज करें, किसी की वीडियो आप अगर डालेंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और वह अप्रूवल नहीं होगा। तो अपना कंटेंट डालिए और अपनी चीज़ों पर मेहनत कीजिए बगैर दूसरों की वीडियो या कंटेंट डालने के बजाय। कि सबको जो भी IT पे हैं उन्हें पता ही है कि 1 साल का टाइम होता है, उसी में 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइमिंग पूरा करना होता है। तो मेरे लिए ये बहुत टफ था उस टाइम पर। कुछ IT फ्रेंडों के वजह से, IT फैमिली की वजह से ये मेरा काम आसान हो गया। उनके सहयोग से मुझे टाइम टाइम पर पता चलता रहा कि क्या करना चाहिए। और मैंने कभी भी किसी का कंटेंट नहीं डाला है अपने वीडियो पे, अपने चैनल पे, और ना ही मैंने कोई ट्रेंडिंग टॉपिक डाली है। बस मैंने अपना कंटेंट डाला है, जो मुझे पसंद था वो मैंने वीडियो डाला है, और ना ही मैंने किसी बड़े यूट्यूबर से सपोर्ट मांगा है और ना ही मैंने किसी की वीडियो डाले हैं बड़े यूट्यूबर की। मैं सिर्फ अपना कंटेंट डालती गई और अपनी मेहनत करती गई और अपने जो मुझे समझ में नहीं आता था उसे मैं IT पे देख लेती थी या फिर उसके रूल्स और रेगुलेशन को देख लेती थी। तो इसमें आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा रहता है। अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, अपने कंटेंट पे ध्यान दें और कंटिन्यू रहें तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज होगा। और एक चैनल मोनेटाइज होना बहुत बड़ी बात होती है, एक यूट्यूबर के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है उसके चैनल का मोनेटाइज होना। और हर यूट्यूबर का एक सपना होता है कि मेरा सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे हों और 4000 घंटे का वॉच टाइम जल्द से जल्द पूरे हों ताकि मेरे चैनल को मोनेटाइज हो सके। तो फाइनली मोनेटाइज होने के बाद बहुत खुशी मिलती है और वह खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ।
जब मैंने चैनल बनाया था तो मैंने कुछ अपने फ्रेंडों को इनवाइट किया था और अपने रिलेशन में एक दो लोगों को दे दिया था। फिर मेरे 20 या 30 सब्सक्राइबर थे, 30 40 थे, मैं बहुत खुश होती थी। पर जब मैंने अपने खुद के कंटेंट डालने स्टार्ट किए और मैंने मेहनत की तो मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए और अच्छा मुझे लगा कि हम मेहनत करें तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी बढ़ेंगे। तो आप अपनी मेहनत से कुछ भी कर सकते हैं, अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। ये जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए थे तो उसका खुशी का मेरे लिए ठिकाना नहीं था। मेरे 100 सब्सक्राइबर की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा हुई थी क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे 100 सब्सक्राइबर इतनी जल्दी होंगे। तो मेरे चैनल बनाने के 1 महीने के बाद मेरे चैनल में 100 सब्सक्राइबर हुए थे और उसके 1.5 महीने के बाद मेरे चैनल में 1,000 सब्सक्राइबर हुए। उसके बाद मैं धीरे धीरे सीखती गई और अपने आप को, अपने चैनल को इम्प्रूव करती गई। और मैंने लाइव भी किया और उसके साथ वीडियो भी मैंने बनाए। और कुछ वीडियो जो मैंने शुरुआत में डाले थे वो मैंने उसने डिलीट किया क्योंकि मुझे पता चला कि वो वीडियो वो नहीं, हमें स्टेटस नहीं डालना है और टिकटॉक के वीडियो नहीं डालना है, दूसरे का कंटेंट नहीं डालना है। तो फिर मैं अपनी ही वीडियो डालती गई और अपने लाइव करती गई। तो ये थी मेरी यूट्यूब जर्नी। नए यूट्यूबरों के लिए, मैं भी नई यूट्यूबर हूँ, पर जो जिन जो अभी जिनने अभी अपना नया नया चैनल बनाया है उनके लिए फिर सिर्फ मेरा यही एक संदेश है, यही इन्फॉर्मेशन है कि वो अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हैं तो अपने चैनल का एक ही कंटेंट रखें, दूसरे कंटेंट डालने की अपेक्षा, क्योंकि दूसरे कंटेंट आप डालेंगे तो उतनी ही मेहनत है और अपना कंटेंट डालेंगे तो उतनी ही मेहनत है। तो अपना ही चैनल, अपने ही वीडियो डालिए, अपना ही कंटेंट डालिए, अपनी ही वॉइस डालिए, तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज होगा। और 4,000 घंटे जो कि 1 साल में पूरा करना है उस पर मेहनत कीजिए और अपना कंटेंट को रेगुलर कीजिए। अगर आप रेगुलर हैं, कंटिन्यू हैं और वीडियो आप 2 दिन के गैप से भी डाल रहे हैं और कंटिन्यू डाल रहे हैं या फिर लाइव कर रहे हैं तो आपका चैनल 100% इम्प्रूव होगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी मेहनत से और कंटिन्यू रह के और अपने कंटेंट पे अड़े रह के अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं और अपने यूट्यूब करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही मेरा कहना था। उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उनने मेरा इतना साथ बनाया और अपने सारे सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर्स को शुक्रिया करना चाहूँगी जो अभी तक मेरा साथ बनाए रखे थे और आगे भी मेरा साथ बनाए रहेंगे। कि जिस तरीके से मेरे यूट्यूब फैमिली और व्यूअर सब्सक्राइबर ने जो साथ अभी तक बनाए रखा है उस प्यार को हमेशा बनाए रखिएगा और एक दूसरे के साथ हम मिलके अपने चैनल को ग्रो करेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो यही मेरा संदेश था। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से नई एक वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने चैनल का ध्यान रखिए।